ना ना बाप रे, इतने कर्म कांड कर चुकी हो, इतना धोखा हम खा चुके हैं कि तुम्हारा ये मिठाई देख के डर लग रहा है जी। आपको हम भी भरोसा नहीं है ना, ठीक है ये मिठाई, ये सारी मिठाई हम ही खा लेंगे। तो फाइनली सुहागन में आ गए 20 साल का लीप। हम देख ही रहे थे ना किस तरीके से यहाँ पर भाई बिंदिया और क्रिश हो गए हैं एक, यहाँ प्रेग्नेंट है बिंदिया, और बिंदिया और सारे घर वाले बहुत खुश हैं। और अब एक प्रोमो आ रहा है सामने जिसमें 20 साल का लीप आ गया है, मतलब बिंदिया की ना दो बेटियां हुई। ऐसा मत कर। नहीं मत रुक, हम जानते हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, पूरी फैमिली के साथ हमने गलत किया, कोई हम पे कैसे भरोसा कर सकता। ये जुड़वा और उन दोनों का नाम होगा ध्वनि और स्वर्णा। अब भाई ध्वनि तो बहुत अच्छा डांस करती है लेकिन ध्वनि बोल नहीं पाती है, लेकिन जो स्वर्णा है ना वो उल्टी ही है। मतलब इन दोनों में केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी दिखाई गई है उस प्रोमो में, बट जो स्वर्णा है वो बदला लेगी ध्वनि से, और यहाँ पर वही सुहाग को लेकर भाई बदला लेने वाले हैं भाई। अभी आने वाले एपिसोड्स में तो भाई हम क्रिश और बिंदिया को ही देख रहे हैं, दोबारा से वही होने वाला है जो पहले से हम पहले जनरेशन में देख रहे थे, यहाँ पर क्रिश बिंदिया और पायल के बीच में हुआ था। अब इन दोनों के बीच में सुहाग को लेकर होने वाला है झगड़ा। लेकर चलो हम चलते हैं, शाम को आएंगे। बलू अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है और उस खड़ूस बुढ़िया को अभी से हम पे शक हो रहा है। 10 दिन का लीप है, अभी 10 दिन के बाद लीप स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भाई तब तक हमें ये भी पता लग जाएगा कि हीरो कौन है इन दोनों का, क्योंकि एक ही हीरो होगा तभी तो लव ट्रायंगल चलेगा, और लव ट्रायंगल होगा तभी सुहाग के भी ऊपर भाई लड़ाई होगी, तभी झगड़ा होगा। और यहाँ पर जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि जो स्वर्णा है वो तो बहुत प्यारी सी है, बहुत अच्छा डांस वांस करती है, लेकिन जो ध्वनि है वो उसकी आवाज़ है। मतलब वो वहाँ पर एक स्टेज होता है, उस स्टेज पर अनाउंस करती हुई और ध्वनि आती है बोलती हुई कि ये स्वर्णा है और मैं इसकी आवाज़ हूँ, सारी चीज़ें हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देती है कि भाई मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूं और आगे देखना मैं इसके संग क्या क्या करूंगी। तो अब मेरे ख्याल से वही सब होगा जो पायल ने बिंदिया के साथ किया है, और ये तो होना ही था क्योंकि कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न होना ही चाहिए ना। अभी अगर सिंपल सा दिखा देंगे कि बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो उसमें होगा क्या। तो अब यहां पर देखेंगे कि भाई इन लोगों का हीरो कौन होता है और किस तरीके से इन लोगों को एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा। अब यहां पर बिंदिया की तरह होगी स्वर्णा क्योंकि स्वर्णा बोल नहीं पाती है, और पायल जो होगी वो ध्वनि की तरह होगी, या फिर कुछ और होने वाला है।